वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस बिजनौर। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी यूनिट थर्ड। हमारी यहाँ पर जो इस टाइम पर सीरीज़ चल रही है वो मास्टर वीडियो या वन शूट वीडियो की सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी यूनिट थर्ड। इससे पहले दो वीडियोस हमारी हो चुकी हैं, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड की इलेक्ट्रॉनिक्स की, और बाकी सब्जेक्ट्स जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर अपने चैनल पर सबकी एक एक दो दो यूनिट हो चुकी हैं। तो उन सबकी जो प्लेलिस्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस प्लेलिस्ट पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी ये एग्ज़ाम जैसे पास आ रहे हैं तो उनको देखते हुए हमने क्या किया है, एक वन शूट वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स का रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ यूनिट थर्ड में ओपैम्प या ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसको बोलते हैं। बहुत छोटी यूनिट है, मतलब अच्छी यूनिट है और स्कोरिंग यूनिट है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, डेरिवेशन बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत ज़्यादा बड़ी ये वीडियो नहीं होगी और आपकी यूनिट बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट को। सिलेबस में यहाँ पर मेंशन है ही, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओपैम्प बोलते हैं। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अब आप जब नेक्स्ट ईयर में पहुँचेंगे तो धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। वीडियो पसंद आया करें तो जिस भी टीचर की पसंद आया करें सबकी, जो भी देखते हो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, काफ़ी सब्जेक्ट हमारे चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं, तो वीडियो लाइक कर सकते हैं उनकी, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे सभी की वीडियोस को, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कैसी आपको वीडियो लग रही है, या कोई सजेशन होगा या कोई फीडबैक होगा वो भी आप बताएंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। ऑपरेशनल एम्पलीफायर या ओपैम्प, आगे मैं इसको शॉर्ट में ओपैम्प भी बोलूँगा, क्या होता है ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक्चुअल में है क्या, डायरेक्टली कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर कहलाता है, विच कैन बी यूज टू एम्पलीफाई एसी एज वेल एज डीसी इनपुट सिग्नल, यानी कि एसी और डीसी दोनों इनपुट सिग्नल को हम एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसा यहाँ पर देख रहे हैं हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर करेंगे, एम्पलीफायर का तो रोल ये हो गया कि सिग्नल को एम्पलीफाई करना, लेकिन यहाँ पर हम इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जो भी इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं उनको परफॉर्म करता है, इसीलिए हम इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। ये इसका सर्किट सिंबल है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी जो आईसी होती है 8 पिन की, यहाँ पर आईसी होती है इसकी, ठीक है, और क्या आईसी का नंबर क्या है, 741, याद रखेंगे इसको। इसका जो सर्किट डायग्राम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एक तो ये सर्किट डायग्राम मैं अभी आगे ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको अच्छे से, और ये पिन डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ये पिन डायग्राम आपको पता होना चाहिए। पिन डायग्राम में जो पिन नंबर 1 है ये ऑफसेट नल होता है, पिन नंबर 2 इन्वर्टिंग इनपुट, पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, फिर मतलब ग्राउंड भी बोल सकते हैं इसको या माइनस वी, ठीक है, देन पिन नंबर 8 जो है वो नॉट कनेक्टेड रहती है, पिन नंबर 7 पर पॉजिटिव वी, ये माइनस वी हो गया, प्लस वी हो गया, और ये वाला जो है हमारा पिन नंबर 6 पर आउटपुट लेते हैं और पिन नंबर 5 पर ऑफसेट नल आता है। ठीक है, क्लियर। ये ऐसी आईसी होती है मार्केट में जो मिलती है, जब मार्केट से लेने जाओगे तो इस तरह की आईसी होती है, ऊपर ब्लैक पार्ट होता है, नीचे पिंस होती हैं, एक तरफ यहाँ पर इस तरह से कट लगा हुआ होता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस कट से अगर नीचे की तरफ लगी हुई आईसी तो लेफ्ट साइड जो पिन नंबर होती है वो 1 होती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी पता नहीं होता आईसी में कि कौन सी पिन नंबर 1 है, लिखा हुआ नहीं होता, हमें पहचानना होता है, तो पिन नंबर जिधर कट है उससे लेफ्ट साइड पिन नंबर 1, 2, 3, 4 और फिर 5 नीचे से स्टार्ट होगी, 6, 7, 8 इस तरह से। ठीक है, और ये इसका डायग्राम है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो जरा यहाँ ध्यान से समझोगे इसको। ठीक है, हमारा ओपैम का जो सर्किट सिंबल होता है वो इस तरह से ड्रॉ करते हैं। इसमें 2 हमारे इनपुट टर्मिनल होते हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन बनाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव, जिस पे नेगेटिव होता है वो होता है इन्वर्टिंग इनपुट, जिस पे पॉजिटिव साइन होता है ये होता है नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, यहाँ पर हम प्लस वी या वीसीसी, यहाँ पर माइनस वी या वीई लिख देते हैं,
यहाँ पर हमारा क्या होता है आउटपुट, ये एक रेसिस्टेंस और ले लेते हैं यहाँ पर इस तरह से RL, ठीक है, इसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी IC का जो नंबर होता है वो होता है 741, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब जो IC है देखो 741, उस पर पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो पिन नंबर 2 पर तो हमारा ये वाला इनपुट होता है, ये होता है पिन नंबर 2, ठीक है, ये होता है हमारा पिन नंबर 2, और 3 पे क्या होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, क्लियर। और पिन नंबर हमारा जो 4 है, 2, 3, 4, 4 पे क्या होता है हमारा ये वाली पिन कनेक्ट होती है माइनस भी, 5 हमारा देन 5 हमारे पे 5 पे नहीं रहता, ऑफसेट नल रहता है, 6 पर हमारा आउटपुट रहता है, और 7 पर प्लस VCC, और 8 हमारा नॉट कनेक्टेड रहता है। तो ये पिन नंबर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, ये सर्किट डायग्राम है, इसका सर्किट सिंबल है, इसको ध्यान रखेंगे, इसको हम आगे बार बार ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अभी तक मैंने क्या बताया ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, देखो मैं रिविज़न करा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा उनको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, रिविज़न हो जाएगा, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना है पूरी वीडियो को, बाकी PDF तो आपको मिल ही जाएगी। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, हाई गेन मतलब डायरेक्टली कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविज़न, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह सब, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम है, पिन डायग्राम मैंने आपको दिखाया पीछे, ये पिन नंबर्स इस तरह से कनेक्ट होती हैं, ये हमें आगे यूज़ करना है, ठीक है, पढ़ेंगे। अब इसमें होता क्या है, एक तरफ नेगेटिव साइन होता है, एक तरफ पॉजिटिव साइन, यानी कि यहाँ पर इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं इसको, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इनका मतलब क्या है कि अगर हमने इस पर इन्वर्टिंग इनपुट पर कोई इनपुट अप्लाई किया तो आउटपुट मिलेगा हमें आउट ऑफ फेस आउटपुट मिलेगा, यानी कि नेगेटिव है, हमने पॉजिटिव इनपुट अप्लाई किया तो हमें आउटपुट नेगेटिव मिलेगा, हमने नेगेटिव अप्लाई किया तो आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि 180 डिग्री का फेस शिफ्ट यहाँ पर होता है। नॉन इन्वर्टिंग में क्या है, ये सेम फेस में आउटपुट देता है, और यानी कि यहाँ पर हम इनपुट पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, इसलिए नॉन इन्वर्टिंग इसको हम बोल देते हैं, और ये इन्वर्ट कर देता है इसलिए इसको हम इन्वर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आगे मैं चल रहा हूँ, अब धीरे धीरे एक एक चीज़ बताता चलूँगा, ठीक है, आप समझते चलेंगे। ये पीछे तो मैंने यहाँ पर ये दिखाई दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं देखो इसके मोड ऑफ ऑपरेशन की। तो मोड ऑफ ऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो हम ओपन लूप के लिए पहले बात कर लेते हैं। तो ओपन लूप में क्या होगा, एक तो सिंगल एंडेड होगा। सिंगल एंडेड में क्या होगा, मैंने बताया जैसे अभी इन्वर्टिंग पे या अप्लाई करेंगे या नॉन इन्वर्टिंग पे, तो एक तो हो जाएगा हमारा नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग मतलब जो प्लस साइन वाला है उस पर हमने इनपुट अप्लाई किया। अब देखो मैंने पीछे जो बनाया था ना, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव बनाया था, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, हम ऊपर पॉजिटिव या नीचे नेगेटिव भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे जब नॉन इन्वर्टिंग की बात है ना, तो पॉजिटिव वाले पे तो हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर दिया और नेगेटिव वाले को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो जब हमने पॉजिटिव पे अप्लाई किया तो एज इट इज हमने अप्लाई किया तो इन्हें एम्पलीफाई तो कर दिया, सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ा दी और सेम फेज में हमें आउटपुट दे दिया, क्लियर। दूसरा क्या है, इन्वर्टिंग है। इन्वर्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पर इनपुट अप्लाई किया और नॉन इन्वर्टिंग को हमने ग्राउंड कर दिया। अब जब हम यहाँ पे इसको ऐसे अप्लाई करेंगे इनपुट, तो इसका क्या होगा, एम्पलीफाई भी होगा साथ के साथ फेज भी चेंज हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, क्लियर। और यहाँ से इसके अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हम क्या, जैसे मैंने बताया था इससे प्रीवियस में करंट गेन के बारे में बताया था BJT में, ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज गेन होता है। वोल्टेज गेन होता है, इसका मतलब क्या है कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज सपोज करो V0 है और इनपुट वोल्टेज VI है, ठीक है, ये हो गया हमारा, क्लियर। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, A से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, A लिख देते हैं ओपन लूप के लिए। तो यहाँ से अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ V आउटपुट इक्वल टू कितना होगा, तो A इंटू VI हो गया, ये VI जो है इधर चला गया हमारा, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई होगी। यानी कि ओपन लूप के लिए गेन या AV भी लिख देते हैं, वोल्टेज गेन जो होता है हमारा V आउटपुट अपॉन V इनपुट हो गया, आउटपुट पर वोल्टेज V0 और इनपुट पर वोल्टेज VI। तो इसको हमने अगर आउटपुट वोल्टेज यहाँ से निकालनी है तो V0 इक्वल टू AVI हो गया, एज इट इज़ यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो था हमारा ओपन लूप के लिए, अभी सिंगल एंडेड। अभी डबल एंडेड के लिए और देख लेते हैं। डबल एंडेड को ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल बोलते हैं। देन इसके बाद होता है कॉमन मोड। तो कॉमन मोड में क्या करते हैं, ये भी मैं बताने वाला हूँ। डिफरेंशियल में क्या करेंगे, दोनों पर अलग अलग इनपुट अप्लाई करेंगे, और डबल एंडेड मतलब दोनों पर, ये भी डबल एंडेड है और ये भी डबल एंडेड है, लेकिन इसमें दोनों पर डिफरेंट इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया, इस पर V1 है, इस पर V2 है। तो यहाँ पर दोनों टर्मिनल पर क्या होगा, यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है, याद रखें पॉजिटिव वाले पे V1 है और यहाँ पर V2 है। तो यहाँ पर एक इनकी डिफरेंशियल वोल्टेज निकालते हैं, जो क्या होती है, VID इक्वल टू V1 माइनस V2, यानी कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज है वो माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो। तो VID इक्वल टू क्या हो गया, V1 माइनस V2 हो गया, क्लियर। तो ये VID, अब इनपुट क्या हो गया इसके लिए, VID हो गया। तो यहाँ पर इसका अगर मैं गेन की बात करूँ तो क्या होगा, A
ये जो गेन है एक प्लस टू क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन वी आई डी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं वी नॉट की बात करूंगा तो वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई में वी आई डी, तो यही लिखा हुआ है। और वी आई डी क्या है हमारा, वी वन माइनस वी टू, तो यहां पर वी आई डी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वी वन माइनस वी टू लिख सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं कॉमन मोड की, तो कॉमन मोड में क्या है, दोनों इनपुट टर्मिनल को हम कॉमन कर देते हैं और चाहे सेम वोल्टेज अप्लाई कर लो दोनों पे, दोनों को ग्राउंड कर लो, यानी कि हमने क्या कर दिया, ओवरऑल मिला के यहाँ पर कॉमन कर दिया, ठीक है। अब जब हमने कॉमन कर दिया तो यहाँ पर हमने कॉमन वोल्टेज क्या मान ली, वी सी मान ली, तो अब इसमें गेन क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी सी हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से वी नॉट अगर मैं निकालूंगा तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटू वी सी हो गया, या ए सी इंटू वी सी हो गया। अब वी सी क्या हो जाएगा, वी सी इनका एवरेज होता है, मान लो इस पे वी वन है इस पे वी टू है, तो वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वन माइनस वी टू, सॉरी वी वन प्लस वी टू अपॉन टू यहाँ पर हो जाएगा, और ये वी सी की जगह पर हमने एज इट इज यहाँ पर ये पुट कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, तो ये डबल एंडेड के लिए था, ओपन लूप की यहाँ पर बात चल रही थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम टाइम या बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आइडियल ओपैम वर्सेज प्रैक्टिकल ओपैम, डिफरेंस पूछता है तो भी ये टेबल बन जाएगी, और अगर आइडियल वोल्टेज की करेक्टरिस्टिक्स पूछता है तो ये इतनी टेबल बन जाएगी, अगर प्रैक्टिकल की पूछता है तो ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, दोनों की पूछता है तो ये बन जाएगा, दोनों में डिफरेंस पूछता है तो बन जाएगी, लेकिन मेनली जो पूछा जाता है आइडियल वैल्यू पूछी जाती है, यानी कि आइडियल ओपैम की करेक्टरिस्टिक्स, आइडियल ओपैम की प्रॉपर्टीज अगर पूछी जाती है तो आपको ये टेबल बना के आनी है। तो ये टेबल जो है मैंने एसी एसी डीसी और डीसी तीन पैरामीटर में यहाँ पर ले ली, तीन कैटेगरी में, तो ये पैरामीटर्स हैं, इनमें कौन कौन से मेनली आपको ध्यान रखने हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आइडियल के मेनली ध्यान रखने हैं, प्रैक्टिकल के अगर आप भूल भी जाते हैं वैल्यू तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो वोल्टेज गेन ध्यान रखना है, देखो आइडियल के केस में मैंने बताया था आइडियल का मतलब होता है कि कोई वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उसको हम इनफाइनाइट मान लेंगे, कोई वैल्यू कम है तो उसको हम जीरो मान लेंगे, ठीक है, हमने मान लिया आइडियल। लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है हम, तो ये तो वोल्टेज गेन ज़्यादा होता है, हाई वोल्टेज गेन होता है इसका हमारा ओपैम का, इसलिए इसको हमने इनफाइनाइट आइडियली बोल दिया। बैंडविड्थ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है तो इसलिए इनफाइनाइट बोल दिया। CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है, ये भी ज़्यादा होता है इनफाइनाइट हो गया। स्लीव रेट ये भी ज़्यादा होता है तो ये भी इनफाइनाइट हो गया। अब ये दोनों छोड़ सकते हैं आप चाहें तो, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज भी छोड़ सकते हैं, इनपुट ऑफसेट करंट भी और इनपुट बायस करंट भी, ठीक है यहाँ पर, यह बल्कि ये दोनों लिख सकते हो, हाँ इनपुट इम्पिडेंस या इनपुट रेसिस्टेंस, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो ये ज़्यादा होता है तो इनफाइनाइट हो गया, आउटपुट इम्पिडेंस कम होता है तो ये जीरो हो गया। अब ये जो तीन है ना नीचे के छोड़ सकते हैं, लेकिन एक इसमें मैं स्किप हो गया है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ PSRR पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, तो ये कितना होता है, ये भी जीरो होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है आइडियल के केस में। ये आइडियल वाली टेबल जरूर ध्यान रखेंगे, बाकी अगर ये याद रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ये जीरो होता है, इनपुट ऑफसेट करंट ये भी जीरो होता है, इनपुट बायस करंट ये भी जीरो होता है, बहुत स्मॉल स्मॉल वैल्यूज होती हैं इनकी, इसलिए हम इनको जीरो मान लेते हैं आइडियल में। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वोल्टेज गेन कितना हो गया, 10^5, बैंडविड्थ 1 MHz, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो 90 dB, स्लीव रेट 0.5 V/μs, इनपुट इम्पिडेंस 2 MΩ, आउटपुट इम्पिडेंस 75 Ω, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज 2 mV, इनपुट ऑफसेट करंट 20 nA, इनपुट बायस करंट 80 nA, तो कितनी स्मॉल वैल्यूज हैं, इसलिए इनको हमने जीरो मान रखा है सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है ओपैम की हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट, या अभी ओपैम की कॉन्फ़िगरेशन है, देन उसके बाद हम क्लोज लूप ओपैम की कॉन्फ़िगरेशन, देन उसके बाद इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे 3-4, और बस ये यूनिट यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इनमें डेरिवेशन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, तो देखो मैं डेरिवेशन कराने वाला हूँ, ध्यान से समझेंगे सारे डेरिवेशन को बहुत अच्छे से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के मैंने बारे में बता दिया है, ये क्लोज लूप का डायग्राम है, वो पीछे जो था हमने बात करी थी, अभी ओपन लूप की बात करी थी। क्लोज लूप में क्या होता है, फीडबैक रेसिस्टेंस भी यहाँ पर कनेक्ट रहता है ऊपर, ठीक है। इन्वर्टिंग है तो इन्वर्टिंग यानी कि नेगेटिव वाले पर हमने इनपुट अप्लाई कर दिया, क्लियर बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट तो नहीं। देखो मैंने ऐड की है क्या, हाँ मैंने स्लाइड ऐड की है, मैं यहीं पर बताऊँगा डेरिवेशन पूरा, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, इसको बना सकते हैं, ये क्या है लिखा हुआ है देख लो इसमें, एन ओपैम सर्किट दैट प्रोड्यूस एन एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल दैट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेस, यानी कि जो पॉजिटिव अप्लाई किया तो नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव अप्लाई किया तो देन पॉजिटिव मिलेगा, क्लियर होगी बात यहाँ पर, इनपुट सिग्नल, ठीक है। तो अब मैं जरा इसको आपको समझा देता हूँ यहाँ पर पूरे अच्छे से ड्रॉ करके, ठीक है, देखो ध्यान से समझो। ये सबसे पहले हमने ओपैम ड्रॉ कर लिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव पे एक रेसिस्टेंस कनेक्ट किया, मैं एक ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ फिर नहीं ड्रॉ करूँगा और आगे, ठीक है, ताकि मैं ड्रॉ करूँगा तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ये हमने पॉजिटिव वाला जो है ये ग्राउंड कर दिया, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक फीडबैक रेसिस्टेंस ले लिया इस तरह से,
और इसको इससे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमने आउटपुट वोल्टेज या यहाँ पर एक लोड रेसिस्टर लगा के आरएल आउटपुट ले लिया। ये 741 यहाँ पर लिखेंगे या फिर ए लिख देंगे, ये प्लस वी या वीसीसी और ये माइनस वी या माइनस वी। यहाँ पर वी आई मैंने लिख दिया इनपुट वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर मैंने आर आई लिख दिया, इसको आर एफ लिख दिया, इसको आर वन भी लिख सकते हैं। आर आई है तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी उसको आई आई लिख दिया मैंने। ये आई वन लिख लेते हैं, चलो आर वन और आई वन लिख लेते हैं, ठीक है। ये आर वन हो गया और ये I1 हो गया, क्लियर। ये RF है तो इसमें करंट कौन सी होगी, IF होगी। ये करंट यहाँ से जब फ्लो हुई तो दो पार्ट में डिवाइड हुई, यहाँ चली गई IF और यहाँ मान लिया मैंने कौन सी गई है I2। इस टर्मिनल पे वोल्टेज पॉजिटिव वाले पे V1 और इस पर V2 और इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंशियल वोल्टेज है उसको VID मान लिया। ये इस तरह से आप सर्किट ड्रॉ कर लेंगे, सर्किट अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। सर्किट में गलती कर दी ना तो फिर आपका डेरिवेशन गलत हो सकता है, तो सर्किट की प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर इस नोड को मैंने मान लिया नोड N। बात समझ में आ गई। अब हमें करना है डेरिवेशन, तो डेरिवेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें करना क्या होता है, देखो सबसे पहले हम ये जानते हैं, सबसे पहले क्या जानते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट द गेन ऑफ ओपन लूप ओपैम्प, कितना होता है, अभी बताया तो था ए वी इक्वल्स टू वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, ठीक है, क्लियर। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर डबल एंडेड है तो डबल एंडेड के लिए मैंने क्या बताया था, वी आई डी, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, इसलिए ये वी आई डी। बात समझ में आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ से वी आई डी को इधर शिफ्ट करा, इसको इधर कर लिया, तो क्या हो गया, यहाँ से वी आई डी इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ए। अभी मैंने एक ये करेक्टरिस्टिक्स की टेबल बताई आपको, तो ओपन लूप ओपैम का जो आइडियल के केस में गेन होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर इनफाइनाइट पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वी आई डी इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि जो गेन है ए वी इक्वल्स टू इनफाइनाइट फॉर आइडियल ओपैम, आइडियल ओपैम, ठीक है ना। अभी ये दिखाया है ये मैंने टेबल में, ये इनफाइनाइट हो गया तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्लियर। तो वी आई डी और वी आई डी इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था वी आई डी इक्वल टू होता है डिफरेंशियल वोल्टेज वी वन माइनस वी टू, तो इसकी जगह पर तो मैंने लिख दिया वी वन माइनस वी टू इक्वल टू जीरो। तो जब ये इधर वी टू को इधर ले जाऊंगा तो वी वन इक्वल टू वी टू हो जाएगा, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, वी वन इक्वल टू वी टू, यानी कि इक्वल नहीं है। देखो वी वन पर तो हमने अप्लाई करी नहीं है कि वोल्टेज जीरो, लेकिन वी टू पर अप्लाई करके तो डिफरेंट होगी, लेकिन हमने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया, दोनों इक्वल प्रूव कर दिया, तो यानी कि ये कंडीशन कौन सी होगी हमारी, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन कौन सी होगी, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन। बात समझ में आ गई। यहां तक तो सभी डेरिवेशन में करना है, जितने भी मैं डेरिवेशन पढ़ाऊंगा ना आपको, सभी डेरिवेशन में, यहां तक का डेरिवेशन सभी में करना है। देन उसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम फिगर वी वन इक्वल टू तो जीरो है, यहां पर हमने देखा वी वन इक्वल टू तो जीरो है, लेकिन वी वन इक्वल टू वी टू है, तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन कौन सी होगी हमारी, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। अब देखो ये वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन हो गई, यहां तक काफी सारे डेरिवेशन में करना है, देखो यहां तक तो सब में करना है वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन तक, लेकिन वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन तक मैक्सिमम से मैक्सिमम में करना है, ठीक है। और सुनो, ये अलग से ही पूछा जाता है इतना क्वेश्चन, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन, तो यहाँ तक करके आ जाइएगा, कोई सा भी पकड़ के कोई सा भी उठा लीजिए यहाँ पे, मतलब कोई सा भी, मतलब कहने का मतलब इन्वर्टिंग वाला, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ तक का केस हो गया, अब हमें करना है क्या, ये जो नोड एन है, ये जो नोड एन है यहाँ पर केसीएल अप्लाई करना है। केसीएल क्या होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो क्या करेंगे, अप्लाई KCL एट नोड N, नोड N पर KCL अप्लाई करा तो I1 तो इनकमिंग है, I2 आउटगोइंग है और IF आउटगोइंग है, तो कितना हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस IF, ये क्वेश्चन बन गई। अब हमें क्या करना है, इन तीनों I करंट की वैल्यू निकालनी है यहाँ से डायग्राम से और यहाँ पर पुट कर देनी है, और पुट करने के बाद बस सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करके हमें यहाँ पर गेन निकाल, मतलब आउटपुट वोल्टेज या इसका गेन निकाल लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर डायग्राम से देखूँ तो I1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ध्यान से समझो, देखो I1 कहाँ है, यहाँ पर है। अब मैं एक कंडीशन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये वोल्टेज है, ये रेसिस्टर है और ये वोल्टेज, यहाँ पर क्या है, ये इनपुट वोल्टेज है वी आई, यहाँ पर क्या वोल्टेज है, यहाँ पर देखो ये वी टू है,
और ये रेसिस्टर कौन सा है R1 और इसमें करंट कौन सी है I1। अब मैं कहूँ यहाँ पर अप्लाई करो तो क्या होगा, I इक्वस टू क्या होता है V अपॉन R होता है, I इक्वस टू V अपॉन R, तो I इक्वस टू V अपॉन R हमें ये पता है ठीक है। तो R की जगह तो R1 हो गया, I की जगह पर I1 हो गया और V की जगह पर क्या हो जाएगा V1 माइनस VI या V इनपुट माइनस V2 हो जाएगा ठीक है। ये समझ में आ गया, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर बन गया। तो I1 मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ क्या है V इनपुट माइनस V2 अपॉन R1। अब ये जो V2 तो हमने देखा यहाँ पर अभी वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन के अकॉर्डिंग V2 तो जीरो है, तो V2 को हमने जीरो पुट कर दिया, तो क्या बना बस V इनपुट अपॉन R1। अब मैं बात करता हूँ I2 की, I2 इक्वल टू कितना होगा, I2 कहाँ पर जा रहा है, ये जो पैंप है इसके इनपुट पर जा रहा है, इनपुट रेसिस्टेंस कितना होता है, अभी आइडियल करेक्टरिस्टिक्स में देखा इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट है रेसिस्टेंस तो इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा कुछ भी बने, तो ये तो सीधा सीधा जीरो हो गया। देन अब बात कर लेते हैं I3 की, I3 कहाँ पर है, यहाँ पर, इधर कौन सी करंट वोल्टेज है V2, इधर कौन सी वोल्टेज है V0, तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V0 अपॉन RF ठीक है, RF रेजिस्टेंस। अब ये V2 तो जीरो है तो क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पर, माइनस के V0 या V आउटपुट अपॉन RF। बात समझ में आ गई होगी, तीनों करंट हमारे पास निकल चुकी है, I1 हमने निकाल लिया, ये रही हमारी I1 की वैल्यू, I2 हमने निकाल लिया जीरो और I3 हमने कैलकुलेट कर लिया, ये रही, ये तीनों वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर में 1 में पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड IF इन इक्वेशन 1, तो वैल्यू पुट करते हैं, चलो I1 की वैल्यू कितनी है V इनपुट अपॉन R1, तो V इनपुट अपॉन R1 इक्वल टू V2 की वैल्यू कितनी है जीरो, तो V2 इक्वल टू जीरो प्लस इसकी वैल्यू कितनी, माइनस के V0 अपॉन RF, तो माइनस V0 अपॉन RF ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, V इनपुट अपॉन R1 इक्वल्स टू माइनस के V0 अपॉन RF ठीक है, इस RF को इधर ले जाओ और V इनपुट को इधर ले जाओ और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो क्या बनेगा V0 अपॉन V इनपुट सॉल्व करेंगे तो माइनस के RF अपॉन R1, और इसी को हम क्या डिनोट करते हैं, इसी को हम गेन या AF या फीडबैक गेन या AV जो भी है ये बोल देते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आता है कि जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसका जो गेन होता है माइनस के RF अपॉन R1 होता है, RF कौन सी वोल्टेज है, वो रेजिस्टेंस है फीडबैक वाला, और R1 कौन सा है इनपुट वाला। क्लियर, बात समझ में आ गई, डेरिवेशन कंप्लीट ठीक है। तो ये वाला जो डेरिवेशन था हमारा, ये डेरिवेशन इसका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का कंप्लीट हो गया। देन मैं बात कर लेता हूँ ये रहा, देन मैं बात कर लेता हूँ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसके लिए भी स्पेस छोड़ा है क्या मैंने, हाँ छोड़ा है। चलो यहाँ मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं कर चुका हूँ पहले से, यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है वरना। चलो तो इसमें स्टार्ट कर लेते हैं, अब क्या करना है, ऊपर का तो डायग्राम ऐसे ही है लेकिन वोल्टेज जो है ना यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दी, बस इतना सा किया है हमने, वोल्टेज यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दी, ये R1 है तो इसमें करंट I1 हो गई है क्लियर, और यहाँ पर ये I2 मतलब RF है तो यहाँ पर हमने I2 मान लिया, या इसको डायग्राम को मैं अपने ही अकॉर्डिंग बना लेता हूँ, हाँ इस डायग्राम को, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन होगा, तो मैं यहाँ तो I2 कर दी सर आपने और ये फिर I3 हो गई, तो इस डायग्राम को मैं नेक्स्ट पेज पे अपने ही अकॉर्डिंग बना लेता हूँ और अपने अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ ठीक है, जब मेरे पास स्पेस है एक डेरिवेशन और सही से समझा देता हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव में क्या किया यहाँ पर रेसिस्टेंस लगा के ग्राउंड कर दिया, पॉजिटिव में एक वोल्टेज यहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर दी V इनपुट प्लस माइनस ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज है, रेसिस्टेंस लगा के RL यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज ले लिया, ये प्लस V हो जाएगा, ये माइनस V हो जाएगा, यहाँ पर A या 741 लिख सकते हैं, और ये फीडबैक रेसिस्टर हो गया इस तरह से, ये RF हो गया हमारा, ये R1 हो गया, यहाँ पर करंट I1 हो जाएगा। अब देखो ये V1 है, इस पर टर्मिनल पे वोल्टेज, ये V2 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया VID डिफरेंशियल वोल्टेज, ये सर्किट हो गया। अब देखो वोल्टेज इधर अप्लाई कर रहे हैं, इसमें करंट जाएगी, यहाँ से जो भी होगी करंट की डायरेक्शन यहाँ पर IF इस डायरेक्शन में होगी, ये आके दो पार्ट में डिवाइड होगी, यहाँ पर I1 होगी हमारी और यहाँ पर क्या होगी I2 होगी ठीक है बस, और ये नोड क्या हो गई हमारी, ये नोड हो गई N, जिसको हम कहाँ यहाँ क्या यूज़ करेंगे KCL के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखो मैं बार बार वो वाले डेरिवेशन वहां तक रिपीट नहीं करूंगा, कौन से वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन में क्या हो गया V1 इक्वल्स टू V2, यहां तक तो प्रूफ कर लोगे। अब यहां पर V1 इक्वल्स टू जीरो तो है नहीं, तो इसलिए हम इसको वर्चुअल ग्राउंड नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं छोड़ देते हैं। अब हम डायग्राम से देखते हैं, फ्रॉम फिगर V1 कितना हो सकता है, V1 इक्वल्स टू, अब V1 तो वही है ना जो इनपुट पे अप्लाई करें, कोई रेसिस्टर ही नहीं है, तो V1 इक्वल्स टू कितना हो गया V इनपुट
तो ये किसके इक्वल हो गया, वी टू के भी, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू वी इनपुट के इक्वल हो गया, ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और क्या करना है हमें, केसीएल अप्लाई करना है, अप्लाई केसीएल एट नोड एन, अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, आई एफ इज इक्वल टू, देखो इनकमिंग कौन सी आई एफ और आउट गोइंग कौन सी आई वन आई टू है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई एफ, ठीक है। अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं डायग्राम से देखें, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 कहाँ है, यहाँ है, डायरेक्शन ये है, इधर वोल्टेज क्या है V2, इधर क्या है जीरो, तो V2 माइनस जीरो, V2 माइनस जीरो अपॉन R1, और V2 की वैल्यू कितनी है V इनपुट, तो V इनपुट अपॉन R1, ठीक है। I2 की वैल्यू मैं देखूँ तो I2 की वैल्यू तो जीरो है, क्योंकि I2 कहाँ जा रहा है, इनपुट पर जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और IF की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो IF की वैल्यू डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, इसमें डायग्राम मैंने इसलिए चेंज करा ही बनाया, इसमें थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लगी है, ठीक है। तो आप ये वाला ही डायग्राम देखेंगे जो मैंने बनाया, इधर जब करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पर V0, इधर V2 अपॉन RF, तो ये कितना हो गया V0 माइनस V2 अपॉन RF, ठीक है। और V V0 तो हमारे पास है, और V2 की वैल्यू कितनी है V इनपुट, तो कितना हो जाएगा V0 अपॉन V0 माइनस V इनपुट अपॉन RF। यहाँ तक समझ में बात आ गई है, तीनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी, ये वाली वैल्यू भी, ये वाली भी, इस इक्वेशन में पुट कर दो, पुट करेंगे तो क्या आएंगी वैल्यू, वी आई वन, आई वन की वैल्यू कितनी है वी इनपुट अपॉन आर वन इक्वल्स टू, क्योंकि ये तो अच्छा इसे भी लिख देता हूँ मैं, प्लस जीरो, किसकी वैल्यू आई टू की, और आई एफ की वैल्यू कितनी, आई एफ की वैल्यू है वी इक्वल्स टू वी नॉट माइनस वी इनपुट अपॉन आर एफ, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करोगे तो वी नॉट अपॉन वी इनपुट इक्वल्स टू आएगा वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन, और इसको हम कायदे डिनोट कर देंगे AF। तो ये फीडबैक गेन या गेन ऑफ ओपैम, क्लोज लूप ओपैम किस फेस में या किस उसमें, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में कितना होता है, वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन होता है, ठीक है। कर लेंगे इस डेरिवेशन को, भी समझ में आ गया होगा, क्लियर। सेम फेस में आउटपुट देता है, यहाँ पर ये मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा है सेम फेस में आउटपुट देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यानी कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, क्लियर होगी बात। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी एप्लीकेशंस की, पहले बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग में, तो नॉन इन्वर्टिंग में जब बात करते हैं तो ये एज ए यूनिटी गेन एम्पलीफायर या एज ए समिंग सॉरी वोल्टेज फॉलोवर, या तो यूनिटी गेन एम्पलीफायर, बफर एम्पलीफायर या वोल्टेज फॉलोवर, हम इसको बोल देते हैं। किस में एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन इन्वर्टिंग में, नॉन इन्वर्टिंग में मतलब इस पे प्लस पे इनपुट अप्लाई करेंगे, तो जब इनपुट अप्लाई करेंगे और इसमें हम क्या कर दें, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिटी गेन एम्पलीफायर क्या होता है, वोल्टेज फॉलोवर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज फॉलोवर या यूनिटी गेन एम्पलीफायर उसको बोलते हैं, यूनिटी गेन का मतलब हो गया जिसका गेन यूनिटी यानी कि वन हो, ठीक है, यानी कि वी इन आउटपुट अपॉन वी इनपुट इक्वल टू वन आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। वोल्टेज फॉलोवर का क्या मतलब है, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो करो, यानी कि इनपुट वोल्टेज वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, वी इनपुट हो जाए, ठीक है। अब इसमें क्या है, यानी कि ए वी हमें क्या चाहिए, वन चाहिए, वन यानी कि आउटपुट यूनिटी गेन तो जब भी होगा तो वन चाहने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग है उसका गेन क्या पड़ा हमने, वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन, तो हम क्या करेंगे, आर एफ को तो जीरो कर दें, ठीक है ना, आर एफ को जीरो कर दिया और आर वन को इनफाइनाइट कर दें, ठीक है ना, यानी कि एक को हमने क्या कर दिया ओपन और एक को शॉर्ट कर दिया। तो जब आर एफ को जीरो करेंगे तो जीरो अपॉन वन प्लस जीरो अपॉन, यानी कि यहाँ पर जीरो पुट किया तो जीरो अपॉन आर वन, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो जीरो हो गई, तो ए वी इक्वल टू वन हो गया। अब जब ए वी वन है तो ए वी इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट अपॉन वी इनपुट होता है, और इक्वल टू ये क्या हो गया, वन हो गया, तो वी इनपुट इधर चला जाएगा, तो वी नॉट इक्वल टू कितना हो गया, वी इनपुट हो गया, ये एज इट इज लिखा हुआ है। सेम यहाँ पर जब इसको इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट से जब डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ए वी इक्वल टू फिर से वन आ जाएगा, यानी कि वी नॉट इक्वल टू वी इनपुट। तो यही हमारा क्या होता है, वोल्टेज फॉलोवर या यूनिटी गेन एम्पलीफायर या बफर एम्पलीफायर भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अब इसकी अदर एप्लीकेशंस की, किस में, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, तो इसमें हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है समिंग एम्पलीफायर है, न्यूमेरिकल भी बनता है यहाँ से, इंटीग्रेटर भी और डिफरेंशिएटर भी है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, मोस्टली कभी कभी बन जाता है किसी किसी पे, तो समिंग एक एक करके तीनों देख लेते हैं, ठीक है। अब इनके डेरिवेशन जो है ना मुझे ही कराने हैं यहाँ पर, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको डेरिवेशन। ये इसका डायग्राम हो गया टू इनपुट्स के लिए, तो थ्री इनपुट्स भी बना सकते हैं, फोर भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमें, या तो अगर न्यूमेरिकल दिया होगा तो थ्री इनपुट पर भी दे सकता, तो क्या चेंजेस आएंगे आउटपुट में वो मैं आपको बताऊंगा, मैं ही देख लेता हूँ, ऐड है कि स्लाइड, हाँ स्लाइड ऐड है, तो मैं ये डायग्राम तो ये ले लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ सही है क्या ये, हाँ ये इस बार सही है, ठीक है। देखो ये हमने ओपैम बना लिया इस तरह से, ये नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग पे तो हमने क्या करा ग्राउंड, ये इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है, समिंग एम्पलीफायर के नेम से ही पूछ सकता है या एडर के नेम से ही पूछ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूँ इसको,
ठीक है, तो हमने टू इनपुट्स के लिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पे दो रेसिस्टेंस लगा के दो जगह इनपुट अप्लाई कर दिए, वी इनपुट वन वी इनपुट टू। ठीक है, यहाँ पर ये आर वन आर टू, यहाँ पर करंट आई वन, यहाँ पर आई टू, और ये फीडबैक रेसिस्टेंस लगा ली जिसमें करंट हमने आई मान ली, आई एफ मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस टर्मिनल पर वोल्टेज वी वन, इस पर वी टू, और दोनों का डिफरेंशियल वोल्टेज वी आई डी हो गया, और ये नोड एन हो गई, इन दोनों को हम एक ही नोड मानेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये वी आउटपुट हो गया। तो सबसे पहले देखो नॉन इन्वर्टिंग ना हो गया, ये इन्वर्टिंग है, तो इन्वर्टिंग वाले में हम वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन तक जा सकते हैं। तो यहाँ तक जो डेरिवेशन है ना तुम्हें करना है, मैं जो लिख रहा हूँ पीछे जो मैंने बताया वहाँ से, कहाँ से वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन वी वन इक्वल्स टू वी टू इक्वल्स टू जीरो, ये इसमें यहाँ तक जाना है। ठीक है, उस डेरिवेशन से, बाकी फिर इसके बाद यहाँ से करना है। यहाँ से करने का तरीका क्या है, फिर वही है, अप्लाई के सी एल एट नोड एन, अप्लाई के सी एल एट नोड एन, नोड एन पर केसीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इनकमिंग करंट आई वन आई टू और आउटगोइंग करंट कौन सी आई एफ, इसको मैं छोड़ ही दे रहा हूँ, ये तो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये आई हो गई, तो यहाँ से कितना बनना है आई वन प्लस आई टू इक्वल्स टू आई हो गई। ठीक है, अब ये तीनों करंट निकालनी है, तो तीनों करंट चलो निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पर पुट कर लेंगे या यहीं पर निकालते हैं ना, आगे पुट करेंगे। ठीक है, आई वन की वैल्यू कितनी हो गई, आई वन यहाँ पर है, वी इनपुट वन माइनस वी टू अपॉन आर वन, वी इनपुट वन माइनस वी टू अपॉन आर वन। ठीक है, और ये V2 क्या है, जीरो है, तो कितना बनेगा यहां से, V इनपुट वन अपॉन R1। I2 की बात कर लेते हैं, I2 इक्वल टू क्या है, V इनपुट टू माइनस V2 अपॉन R1, ये कैसे आया R2, V इनपुट टू माइनस V2 अपॉन R2। अब यहां से V2 फिर जीरो है, तो कितना हो गया V इनपुट टू अपॉन R2। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, I I की, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो V2 माइनस V0 अपॉन RF, V2 माइनस V0 अपॉन RF, अब ये तो जीरो है। ठीक है, तो I इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस के V0 अपॉन RF। अब ये तीनों वैल्यूज कौन कौन सी तीनों वैल्यूज, I1, I2 और I, ये तीनों वैल्यूज उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट करेंगे तो क्या होगा, आगे कर लेता हूँ। ठीक है, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू, I1 की वैल्यू कितनी है, लिख लेता हूँ I1 प्लस I2 इक्वल्स टू आई, तो आई वन की वैल्यू है वी इनपुट वन अपॉन आर वन प्लस वी इनपुट टू अपॉन आर टू इक्वल्स टू इसकी वैल्यू माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ, इस आर एफ को इधर ले आओ तो आउटपुट वोल्टेज क्या निकलेगा, वी नॉट इक्वल्स टू माइनस के आर एफ, ठीक है, अपॉन आर वन, मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ सब में, क्या हो गया वी इनपुट वन प्लस आर एफ अपॉन आर टू वी इनपुट टू। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फाइनल इसका फॉर्मूला समिंग एम्पलीफायर का, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये वाला जरूर याद रखेंगे अगर न्यूमेरिकल आता है तो, ये वाला अप्लाई करेंगे, लेकिन इसके कुछ स्पेशल केस हैं, इफ आर वन इक्व टू आर टू इक्व टू आर थ्री, अगर तीनों रेसिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं, यहाँ पर तो वैसे आर वन आर एफ और ये तो आर एफ लिख लिया। ठीक है, तो कितना बनेगा हमारा वी आउटपुट इक्व टू कितना हो जाएगा, माइनस के वी वन या वी इनपुट वन प्लस वी इनपुट टू, या थ्री है तो आप थ्री इनपुट के लिए होगा तो यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा प्लस आर एफ अपॉन आर थ्री वी इनपुट थ्री, और यहाँ पर भी वी इनपुट वन प्लस वी इनपुट टू प्लस वी इनपुट थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये समिंग एम्पलीफायर का डेरिवेशन था, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इंटीग्रेटर की, तो इंटीग्रेटर में क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पर इंटीग्रेटर में इस फीडबैक की जगह पर कैपेसिटर यूज़ कर लेते हैं, फीडबैक की जगह पर कैपेसिटर यूज़ कर लेते हैं और इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर, ये बाकी सब चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, अब ये देखो आई बी, तो ये आई बी तो जीरो हो जाएगी, बस आई वन चाहिए हमें और आई एफ चाहिए, बाकी ये इन्वर्टिंग ही है ये भी, तो वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन तक तो वही हो जाएगा वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू जीरो, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन तक, तो इसमें भी करेंगे डेरिवेशन जो मैंने स्टार्टिंग वाले में बताया ना, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन तक उसमें सब में करना है डेरिवेशन जो कोई भी पूछे। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर देखो इन्वर्टिंग वाले में वर्चुअल ग्राउंड तक जाएंगे, फिर उसके बाद केसीएल अप्लाई करेंगे, अप्लाई के सी एल, तो कहाँ पर नोड एन पर, नोड एन कहाँ है, ये रही नोड एन। ठीक है, केसीएल अप्लाई करेंगे तो आई वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा आई एफ, आई बी को मैंने जीरो ही मान लिया, तो आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ वी इनपुट वन माइनस वी टू अपॉन आर वन, या वी इनपुट माइनस वी टू अपॉन आर वन इक्वल्स टू इसकी क्या हो जाएगी। अब ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, अगर उसके कोई कैपेसिटर नहीं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कैपेसिटर के लिए। ठीक है, यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है और ये C है। ठीक है, इसमें करंट कोई फ्लो नहीं आई, तो I अगर निकालना है तो कितना होता है C, यानी कि कैपेसिटर की वैल्यू डी वी सी अपॉन डी टी,
ये फॉर्मूला होता है याद रखें, और वी सी की वैल्यू क्या होती है, वी सी इक्वल टू हो जाता है वी वन माइनस वी टू, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर मैं वही वैल्यू पुट करूँगा आई एफ की जगह पर, क्या हो जाएगा सी, तो सी की जगह पर तो सी एफ हो गया ये, ठीक है। और क्या है डी वी सी, डी वी सी की जगह पर क्या आ जाएगा वी टू माइनस वी नॉट, वी टू माइनस वी नॉट अपॉन डी टी। बात समझ में आ गई, सी डी वी सी अपॉन डी टी, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, वी इनपुट और ये वी वी टू तो जीरो हो गया यहाँ से, तो वी इनपुट अपॉन आर वन हो गया यहाँ पर, तो ठीक है। देखो मैंने स्लाइड ऐड कर रखी है क्या कोई ब्लैंक, हाँ है, ठीक है, तो आगे कर लेंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सी एफ तो एज इट इज़ है, और यहाँ से क्या बनेगा डी अपॉन डी टी, और ये वैल्यू क्या बनेगी माइनस के वी नॉट, माइनस के वी नॉट हो गए। अब क्या करो यहाँ पर, दोनों तरफ क्या कर दो, देखो ये डिफरेंशिएशन है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, अब हम इनमें इंटीग्रेशन कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बन जाएगा और यहाँ का डिफरेंशिएशन हट जाएगा, तो क्या हो जाए इस सी एफ को इधर ले आओ, तो वैल्यू क्या बनेगी हमारी, वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर है, वैसे यहीं पर ही मैं बता देता हूँ, अगली स्लाइड को मैं डिलीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको भेजने से पहले, ठीक है। एक्स्ट्रा देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको तो इधर ले आए, तो क्या बनाइए वी इनपुट और अपॉन आर वन, और ये क्या हो गया सी एफ, और ये क्या हो गया डी अपॉन डी टी, माइनस का साइन में बाहर ले लेना हूँ वी नॉट। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो ये हट जाएगा तो वी नॉट हो जाएगा, और माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा हमारा ये माइनस के सी एफ अपॉन ये, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आएगा यहाँ पर सी एफ, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये क्या हो गया यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर हमने लिख दिया वन अपॉन आर वन सी एफ, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा वी इनपुट, वी इनपुट और डी टी हो गया, साथ में कांस्टेंट के लिए प्लस सी लिख देंगे, तो ये इसका फाइनल आउटपुट हो जाएगा इंटीग्रेटर का, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है, क्लियर। बात समझ में आ गई होगी, बस इतना सिंपल सा डेरिवेशन था इसका, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ज़्यादा लेंदी वीडियो ना हो, जिसको स्लो लग रहा है, जिसको आता है पहले से, तो वो तो क्या करेगा स्टूडेंट, स्पीड बढ़ा के देख सकता है यूट्यूब पे, लेकिन जिसको लग रहा है कि नहीं बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं सर, तो वो क्या कर सकता है, थोड़ा स्पीड स्लो कर सकता है, ठीक है, हमारे यूट्यूब में ऑप्शन होता है। अब ये क्या है डिफरेंशिएटर है, डिफरेंशिएटर क्या करता है डिफरेंशिएशन करके आउटपुट देता है, इन्वर्टिंग ये भी इन्वर्टिंग पे इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर से ये वी वन इक्वल्स टू वी टू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन तक, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पर करंट IC है, यहाँ पर IF है, तो जब KCL अप्लाई करेंगे तो IC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा IF, और IC कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटर में करंट है तो क्या होगी IC इज इक्वल टू कितना होता है C, C की जगह पर तो C1 हो गया, D VC, VC की जगह पर V इनपुट माइनस V नॉट, V इनपुट माइनस V नॉट अपॉन DT, ठीक है, इक्वल टू IF, IF की जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पर V2 माइनस V नॉट अपॉन RF, V2 माइनस V नॉट अपॉन RF। अब ये V2 दोनों तरफ से जीरो कर दो तो ये C1 D V इनपुट अपॉन DT हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के V0 अपॉन RF। अब ये RF जो है इसको इधर ले आओ तो R माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो V0 इक्वल्स टू क्या होगा ये इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस के C1 RF और D अपॉन DT V इनपुट। तो इनपुट का क्या हो गया हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, तो कितना छोटा सा डेरिवेशन है देखो ये, और यही हो गया माइनस आर एफ सी वन डी वी इनपुट अपॉन डी टी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन इससे पहले इतना छोटा डेरिवेशन नहीं करके आना एग्जाम, इससे पहला करना है वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन से, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो गई है, यहाँ पर तीन यूनिट कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं अगर बोलूँ तो सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग बोलूँ तो हमारी फोर यूनिट्स हो चुकी हैं, यहाँ तक फोर यूनिट सेम है, बस उसमें बायसिंग और ऐड करनी है और कुछ नहीं है, ठीक है, बायसिंग और ऐड करनी है केवल, ठीक है, क्लियर। तो बायसिंग वाली वीडियो और ऐड करके मैं उसमें और उसको मर्ज करके वॉली डाल दूंगा, बाकी ये वाली सेम रहेगी, ये वाली तो एज इट इज़ रहेगी, और फर्स्ट वाली जो है ना फर्स्ट वाली उसमें जो फर्स्ट और सेकेंड है तो वो इसकी जो फर्स्ट है वो दोनों मिलकर फर्स्ट और सेकेंड बनी हुई है आपके यहाँ पर, तो आपकी फोर यूनिट होगी सेकेंड ईयर वालों के लिए, और फर्स्ट ईयर के लिए तीन यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 के साथ।